क्योंकि वो कंट्रोल्स एक्चुअल में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग है कि एंड्रॉइड 13 पर मॉडपैक वर्क करेगा कि नहीं करेगा। इतनी ज्यादा जो है स्पोर्ट्स कार्स, वो भी एक अमेजिंग ग्राफिक मॉडपैक के ऊपर होने वाली है। स्वागत करता हूँ आज के इस वाली एक और न्यू वीडियो के अंदर, और इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ GTA 6 का कंसेप्ट वाला ग्राफिक्स मॉड पैक फॉर योर GTA San Andreas Android। और ये वाला जो ग्राफिक मॉड पैक है थोड़ा सा यूनिक होने वाला है, क्योंकि ये वाला जो ग्राफिक मॉड पैक है ये आपको प्रोवाइड करने वाला है एक बेस्ट रियलिस्टिक एक्सपीरियंस। और इस ग्राफिक्स मॉड पैक के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है, क्या नहीं देखने के लिए मिलने वाला है, वो सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। सो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखते रहिए। चैनल पे नए हो, अगर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर बात होती है GTA गेम्स रिलेटेड, GTA गेम्स के मोड्स और GTA गेम्स के गेम प्लेस के बारे में। और मैं अभी कुछ दिन बाद एक वीडियो लाने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने किस तरीके से अपने GTA 5 PC को GTA 6 में कन्वर्ट किया है। वो वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, तो कीप कनेक्टेड टू दिस चैनल। एंड अगर जिन लोगों ने बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है तो इस वाले बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो भाई। तो अब बात करूंगा मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली, क्या होगा कि अगर आपने मॉड को डाउनलोड किया हो और मॉड पैक आपका क्रैश हो गया, उसका क्या सॉल्यूशन है। तो भाई मैं आपको सिंपली बता दूं, अगर आप कोई भी गेम डाउनलोड करते हो, कोई भी मॉड पैक डाउनलोड करते हो मेरे वीडियो से और वो क्रैश कर जाता है, तो आप मेरी इस वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो जिसमें मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखी है कि आप अपने क्रैश को किस तरीके से फिक्स कर सकते हो। ऑल्दो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि एंड्रॉयड 13 पर मॉडपैक वर्क करेगा कि नहीं करेगा, तो मैं जो भी मॉडपैक अपलोड करता हूँ यार वो एंड्रॉयड 13 में भी वर्क करता है। इवन मेरे पास एंड्रॉयड 13 के दो फ़ोन्स हैं और उन दोनों फ़ोन्स के अंदर मैं मॉडपैक की टेस्टिंग करता हूँ उनको अपलोड करने से पहले। तो मेरा आंसर यही होगा उन लोगों से कि एंड्रॉयड 13 में आप मॉडपैक को चला सकते हो, लेकिन हाँ एंड्रॉयड 13 में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। कुछ एंड्रॉयड फ़ोन्स में जो है एंड्रॉयड 13 के फ़ोन्स में मॉडपैक रन नहीं करता है, तो उस चीज़ के लिए भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। ऑल्दो गाइज अगर आपका एंड्रॉइड वर्जन 11 है या फिर 12 है तो कोई इशू नहीं होने वाला है, आप आराम से मॉडपैक को डाउनलोड करो क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मूथली चलने वाला है। एंड्रॉइड 13 में बहुत सारे सिक्योरिटीज़ होती है उनके वर्जन में, तो इसलिए कभी कभार फाइल पेस्ट नहीं होती है, फाइल पेस्ट करने जाते हैं डेटा फोल्डर के अंदर तो एरर आ जाता है, उसकी वजह से हमारा गेम क्रैश कर जाता है, कोई फाइल मिसिंग हो जाती है तो किसी भी तरीके का एरर हो जाता है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रख करके मॉडपैक को डाउनलोड करना है, अदरवाइज आपका मॉडपैक क्रैश हो जाएगा और फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के बोलोगे गेम क्रैश कर रहा है। सो उसका यही सॉल्यूशन है कि यार आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस के बारे में अच्छे से जानते हो, बाकी मॉडपैक सभी डिवाइसेस में वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मॉडपैक का गेम प्ले आपको दिखाने वाला हूं कुछ देर में, तो चलते हैं सीधा मॉडपैक की और दिखाता हूँ कैसा मॉडपैक आपका होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा गेम प्ले है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलने वाला है आप लोगों को। यहाँ पे आप अपने कैरेक्टर को देख सकते हो, सिमिलर टू GTA 6 कैरेक्टर लग रहा है, और उसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स कार्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। और हाँ गाइज एक चीज़ और कि ये वाला जो मॉडपैक है इसमें आपको इतनी ज़्यादा जो है स्पोर्ट्स कार्स देखने के लिए नहीं मिलने वाली है, बट मैं आपको पहले ही बता दूं जो ग्राफिक्स आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं और जो वेजिटेरियन आपको देखने के लिए मिलने वाली है एंड जो टेक्सचर्स देखने के लिए मिलने वाले हैं दैट इज़ अमेजिंग। यानी कि आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी जो कि आपके गेम को पूरा ट्रांसफॉर्म कर देगी, और इस वजह से आप इस मॉडपैक को डाउनलोड कर सकते हो, इसके एंजॉय कर सकते हो इसको, क्योंकि टेक्सचर्स और जो रिफ्लेक्शंस हैं वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा यूनिक है और ऐसे जो है मैंने किसी भी मॉडपैक के अंदर नहीं देखे, क्योंकि आपको बहुत से चेंजेस देखने के लिए मिल जाएंगे इस वाले मॉडपैक के अंदर। और भाई जो आपको मिशंस देखने के लिए मिलने वाले हैं वो यहाँ पे GTA 5 के ऐसा कुछ मिशन देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, लेकिन हाँ आपको यहाँ पर
जो है GTA San Andreas के बहुत सारे मिशंस जो आपके हैं वो आपको करने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप वो सारे भी मिशंस अपने इस वाले मॉड पैक के साथ में कर सकते हो। एंड उसके अलावा यहाँ पे जो कंट्रोल्स आपको दिए जाएंगे उन वो कंट्रोल्स से तो आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लगने वाला है जब आप अपना गेम को खेलोगे, क्योंकि वो कंट्रोल्स एक्चुअल में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग है और आपको एक नया एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप GTA San Andreas को नॉर्मल वाले खेलते खेलते थक गए हो तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हो। ऑल्सो आपको यहाँ पे एक अच्छा GPS ट्रैकर भी मिल जाएगा, अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको जो स्काईबॉक्स देखने के लिए मिलने वाला है दैट इज़ अमेजिंग, लाइक बहुत ज़्यादा, मैं इसको एकदम हाई लेवल का नहीं कहूँगा लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है लुकिंग, बहुत ज़्यादा प्रीमियम स्काई बॉक्स मुझे लगा है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक लाइट स्काई बॉक्स वाली आपको फीलिंग प्रोवाइड करता है जो कि कभी कभार हमको बहुत अच्छा लगता है। सो ये था गाइज हमारा GTA San Andreas के इस वाले मोड पे का गेम प्ले, एंड आई होप कि आपने ये वाला गेम प्ले इंजॉय करा होगा। लेकिन हाँ, अभी वीडियो छोड़ के नहीं जाना है, मैं इंस्टॉलेशन पे आ रहा हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड। इंस्टॉलेशन का जो आपको प्रोसेस है इस वाले मोड पे का वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। आई मीन टू से मैंने चैनल पे वीडियो बना रखी है जिस पे आपको मोड पैक कैसे इंस्टॉल करते हैं वो मैंने बता रखा है। उस वीडियो का लिंक आपको जाने की ज़रूरत नहीं है चैनल पे, आपको स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है, उस वीडियो को आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वो वीडियो, आप जा करके उस वीडियो पे क्लिक करके और इंस्टॉलेशन वाली वीडियो को देख सकते हैं। आपने एक बार मोड पैक को डाउनलोड कर लिया उसके बाद में आपको उस वाली वीडियो पे जाना है जहाँ पे मैंने बताया कैसे इंस्टॉल करना है, और वो वीडियो को जाकर के आपको अच्छे से देखना है। काफ़ी लोग वहाँ पे इंस्टॉलेशन में मिस्टेक करते हैं और उसकी वजह से काफ़ी लोगों को एरर आ जाता है, इशू आ जाता है, तो आपको इंस्टॉलेशन को अच्छे से देखना है। मैं अगेन ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। और एक और चीज़, और यहाँ पे जो जिसको क्रेडिट जाता है इस मोड पैक का उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, तो भाई उनके भी चैनल को जाके सपोर्ट कर सकते हो आप। तो आई थिंक यही था ये वीडियो आज का। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो यार देखो, आपको सब्सक्राइब जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का जो आइकन आता है उसको टर्न ऑल पे कर देना है। उससे ये होगा नोटिफिकेशन आपको आएगा, आपको ये चीज़ें पता है लेकिन फिर भी आप नहीं करते हो, लेकिन आपको करनी चाहिए, यू शुड डू, क्योंकि इससे मोटिवेशन मुझे मिलता है। ऑलराइट गाइस, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड बाय गाइस। एंड हाँ, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो भी एक अमेजिंग ग्राफिक मोड पैक के ऊपर होने वाली है, वो चीज़ अभी रिवील नहीं करूँगा। कीप कनेक्टेड टू दिस चैनल।